हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 310। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप विड आई क्यू एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और इसके साथ साथ इसमें आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। विड आई क्यू एप्लीकेशन एक जेन्युइन एप्लीकेशन है। जैसे ट्यूबबडी वर्क करता है, उसी तरीके से विड आई क्यू एप्लीकेशन भी वर्क करती है। ट्यूबबडी जैसे उसकी एक्सटेंशन आप लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, वैसे ही विड आई क्यू की भी एक्सटेंशन आती है लैपटॉप के लिए। पर आज मैं आपको ये मोबाइल एप्लीकेशन मोबाइल में यूज़ करना सिखाऊंगा कि आप विड आई क्यू एप्लीकेशन को मोबाइल फ़ोन के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उससे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हैं इसमें सबसे पहले हमें प्ले स्टोर के अंदर जाना है और विड आई क्यू एप्लीकेशन को यहाँ पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है विड आई क्यू, ठीक है, ये सबसे ऊपर आ गई। इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आपको इसे अपने फ़ोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसे इंस्टॉल कर रखा है। इसके बाद यहाँ से ओपन पर क्लिक करेंगे, ये इस तरीके से खुलेगी। तो आपको यहाँ पर अपने जो आपका YouTube चैनल का जो अकाउंट है उससे आपको यहाँ पे साइन इन कर लेना है, लॉग इन विद गूगल, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो ये पेज आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ आपसे ये बोल रहा है कि कनेक्ट योर YouTube अकाउंट। तो हमें इस कनेक्ट यूट्यूब अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये स्क्रीन आएगी, एलो कर देना है। उसके बाद ये खुल चुका है। यहाँ पर आपसे सबसे पहले ये पूछ रहा है कि व्हाट आर योर वीडियोस अबाउट, मतलब आपकी वीडियोस जो हैं वो किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग हैं, मतलब किस टाइप की वीडियो हैं। तो आपको यहाँ पे कोई भी कीवर्ड जिससे आपका जो वीडियो हैं वो रिलेट करती हैं वो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे टेक्निकल है मेरी, तो टेक्निकल में इस यहाँ पे काफ़ी सारे चैनल आ गए। तो आपको किसी भी जो भी आपकी तरह वीडियो बनाता है या आप जिसकी तरह वीडियो बनाते हैं उस चैनल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप इसमें कितने भी कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी आपको एक दो कीवर्ड ही कर देता हूँ, जैसे ऐड वन कीवर्ड हो गया। ऐसे ही हम एक और हैं मनोज दे के चैनल को भी कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे आप यहाँ पे काफ़ी सारे कीवर्ड यहाँ पे आप डाल सकते हैं और उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपके सामने ये बोलेगा कि कॉम्पिटिटर्स ऐड करें। तो यहाँ पर आप किसी को भी ऐड कर सकते हैं, जिसको आपका मन करे वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे ये सजेस्ट कर रहा है तो मैं इन्हीं में से ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे जो लिखा हुआ है फिनिश सेटअप, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे ये आपका जो डैशबोर्ड है इसका, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऑप्टिमाइज योर वीडियो है, यहाँ पे शो ऑल पे क्लिक करके आपको आपकी सारी वीडियोज़ यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। यहाँ डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे नीचे, ठीक है। उसके बाद नीचे यहाँ पे टॉप कीवर्ड अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखा रहा है ये, जो भी यहाँ पे सर्च करेंगे हम, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस वर्सेस कॉम्पिटिटर है, यहाँ पे उसकी फुल रिपोर्ट दे देगा। और यहाँ से आप अपनी वीडियोज़ का एनालिटिक्स भी देख सकते हैं किसी भी वीडियो पर क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पर SEO स्कोर भी देख सकते हैं इसका। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, ये पॉपुलर वीडियोज़ इनकी दिखा रहा है, ठीक है। तो हमें इसमें मैंने जो आपको सिखाना है वो है कीवर्ड रिसर्च करना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे रिसर्च वाले पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें कोई भी कीवर्ड जिस भी टॉपिक पे हम वीडियो बनाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे सर्च करके देखेंगे। जैसे सब्सक्राइबर्स कैसे बढ़ाएं 2021 वाला सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सर्च करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो चीज़ें आपके सामने आती हैं, ओवरऑल स्कोर में 100 में से 63 हैं, वॉल्यूम जो है वो 48 है और कंपटीशन जो है वो लो है। तो इसमें जो वॉल्यूम है आपका वो अगर 50 से ज़्यादा है तो आप इस पे वीडियो बना सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इस पे वीडियो नहीं बनानी चाहिए क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम जो है वो 48 ही है और कंपटीशन तो लो है इसमें। तो इसमें हमें क्या करना है, और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं। सेकंड ऑप्शन ओवरव्यू के साथ में यहाँ पे रिलेटेड कीवर्ड्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं
कि यहाँ पे और भी हमें कीवर्ड कि हमें और क्या सर्च करना चाहिए, तो भी उससे ओवरऑल स्कोर हमें कोई ज़्यादा नहीं मिल रहा है इसमें। और यहाँ से थर्ड ऑप्शन है ट्रेंडिंग वीडियोस, इसके लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, पर आपको उसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे फ्री में ही काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हम यहाँ पे दूसरा टॉपिक डालेंगे, जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, इसे सर्च करके देखते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 67% है, पर इसमें कंपटीशन हाई है, तो हम इस पर भी वीडियो नहीं बना सकते। आपको वो वीडियो सिलेक्ट करनी है जिसमें वॉल्यूम तो कम, वॉल्यूम तो ज़्यादा हो लेकिन कंपटीशन जो है वो लो हो, ताकि आपकी जो सर्च वॉल्यूम है सर्च वॉल्यूम से ही आपको व्यूज़ मिलेंगे। तो आपको ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाली सिलेक्ट करनी है और कॉम्पटिशन उसमें लो होना चाहिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर विड IQ में कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी चाहिए और किस पर नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई कि आप विड IQ एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे उससे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। Thank you.